अच्छा मां जी, मुझे बताइए, कार्बन मेन्यू में आज आप खाने के लिए आए थे, तो खाना आपको यहाँ का कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। द फूड इज़ रियली गुड। खाना बहुत अच्छा है। ओके। मुझे बहुत मज़ा आया। आई हैव कम विद माई फ्रेंड्स फैमिली, बहुत बार आ चुका हूँ। बहुत अच्छा है। ऑसम फूड। अच्छा, ऑसम फूड। या आपने स्टार्टर्स में क्या क्या खाया, मुझे बताना चाहेंगे? ऐसे अगर कुछ छोड़ा पूछूंगा तो वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप पूछेंगे क्या छोड़ा, वो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कैरावन मेन्यू में स्पेसिफिकली आ रही हो तो पहले तो स्टार्टर ट्राई करो। स्टार्टर्स में फुल करो पूरा, पहले स्टार्टर्स फुल करो और बाद में डेजर्ट्स पे जाओ। हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुकमैंगर। कैसे हैं आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम लोग हो चुके हैं 5000 सब्सक्राइबर्स की यूट्यूब फैमिली, मतलब मेरा कारवा जो है ना पहुंच चुका है 5000 सब्सक्राइबर्स तक। और मैं सबसे हाथ जोड़कर जो है ना थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और मुझे सब्सक्राइब किया। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आज हम लोग आए हुए हैं द कारवा मेन्यू। कारवा मेन्यू यानी कि जैसे आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना मिलता है अनलिमिटेड कारवा फूड्स का, मतलब बोलते हैं ना उसमें स्टार्टर्स हो गया, मेन कोर्स हो गया, स्नैक्स में जैसे पानीपुरी हुआ, पास्ता हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, एंड इसी के साथ में फ्रेंड्स डेजर्ट्स। आप सभी जानते हैं कि मैं मीठा बहुत पसंद हूँ, डेजर्ट भी यहाँ पर अनलिमिटेड मिलता है। तो चलिए चलेंगे और लुत्फ़ उठाने वाले हैं आज द होल कारवा मेन्यू का, खाएंगे यहाँ पर अनलिमिटेड फूड्स। तो प्लीज़ कम इन, आइए चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, चलिए चलेंगे, मैं अंदर आ चुका हूँ। सबसे पहले इनका देखेंगे कि बफे में क्या क्या, आइए प्लीज़। ये अगर आप देखेंगे तो ये है वेज शेजवान नूडल्स, ओहो सो हॉट, ठीक है। ये है वेज फ्राइड राइस, आहा मज़े ही आने वाला है। एंड ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टीर फ्राई वेजिटेबल्स हैं, वेज मंचूरियन ग्रेवी है। खोल कर देखते हैं इसको, आहा हा हा, आप दे सकते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ये, मज़ा आने वाला। आइए चलेंगे आगे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो है वेज कोल्हापुरी और पंजाबी छोले। चलिए राज खोलते हैं और देखते हैं क्या है। आ हा हा हा, देखने में तो ये बड़ा ही डिलीशियस लग रहा है ना, मज़ा ही आने वाला है। ओहो हो हो हो, चलिए बढ़ेंगे आगे और देखते हैं यहाँ पर जो है कड़ी पकोड़ा एंड सोया चाप मसाला, मज़ा ही आने वाला है। ओहो हो हो हो, एकदम गर्मा गर्मा है, आप देख सकते हैं इसमें पकौड़ी भी डाला हुआ है। एंड दिस इज समथिंग सोया चाप मसाला, आ हा हा हा, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और देखते हैं यहाँ पर जो लगा है इन्होंने पनीर टिक्का मसाला एंड मसाला राइस। पनीर टिक्का तो मेरा फेवरेट है, वो भी मैं आपको बता दूँ। ओहो हो 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 हो, आप देख सकते हैं, आ हा हा, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। एंड दिस इज मसाला राइस, बड़ी भरभरे दाने लग रहे, एकदम खुला खुला, आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ी देर में खाकर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बना हुआ है। सबसे पहले सोचा था मैं आपको एक वॉक अराउंड कराऊं। अब ये है इनका दाल मखना एंड दाल तड़का, आ हा हा, ये तो मेरा फेवरेट है, दाल तड़का एंड मखना। ओ हो हो हो, सो टेम्पटिंग। आप करी में मतलब तरी देखिए, आ हा, एकदम हॉट है पूरा। एंड इनका ये है दाल मखना, दिल्ली की जैसे इसको दाल मखनी भी बोलते हैं, गर्मा गर्म है पूरा एकदम, मतलब आज तो हम लोग जो है ना दिल खोल कर खाने वाले हैं। एंड हियर इज माय फेवरेट पापड़, आप दे सकते हैं पापड़ भी, मतलब मज़ा आता है खाने के लिए। एंड दिस इज अचार, अचार देखो क्या है, ओहो लहसुन का अचार है ये, एंड दिस इज मिर्ची का अचार, एंड ये जो यूजुअल आम का अचार, माय फेवरेट। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो रखा है स्टीम राइस। कई लोग होते हैं मसाला राइस या बिरयानी नहीं खाना पसंद करते, सो दे कैन ऑप्ट फॉर दी प्लेन राइस ऑल्सो। एंड अब शुरू करेंगे नॉनवेज वेराइटीज। नॉनवेज वेराइटीज़ में सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा करीज में क्या क्या। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखा हुआ है मुट्ठू विंदालू एंड देन देर इज चिकन बिरयानी। चलिए इसको खोल कर देखते हैं कैसा है। आ हा हा हा, ये मटन विंदालू तो मेरा मतलब मुँह में पानी आ रहा है लिटरली, आप दे सकते हैं। ओहो हो हो, इट्स सो टेम्पटिंग। इसमें आलू भी डाला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो दिख रहा है आलू भी है ना। चलिए इस तरफ से, और मेरा फेवरेट चिकन बिरयानी। ओ हो 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 हो, अच्छा खासा मसालेदार लग रहा है पूरा ये, आज तो मज़ा आएगा। चिकन की पीसेस भी आप देखिए कितना मस्त है। चलिए थोड़ी देर में जो है ना आप लोगों को खाकर भी बताऊंगा मैं कि खाना कैसा है यहाँ का। चलिए अब चलेंगे इनका देखते हैं मुर्ग साग वाला। ओ हो हो, ये हरे मसालों में कुछ बनाया हुआ है
एंड क्रीम की कोटिंग्स वगैरह भी किया हुआ आप दे सकते हैं। एंड मैं बता दूं, जब मैं ये शूट कर रहा हूं, मैं लिटरली जो है ना खुशबू एकदम जायकेदार आ रही है, मतलब मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है आपको बता दूं। एंड एग भुर्जी मसाला, चलिए थैंक गॉड वेज वालों के लिए जो है ना एग भुर्जी मसाला भी है। एंड फ्रेंड्स आप ये दे सकते हैं, दिस इज़ माई फेवरेट फिश थाई करी, बड़ा ही टेम्पटिंग लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए अब हम लोगों ने जो है ना बफे तो देख लिए, अब चलेंगे इनके डेजर्ट वाले सेक्शंस में और लाइव काउंटर्स में। आइए प्लीज चलते हैं प्लीज। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इनका जो ना ये तो इंटीरियर इन्होंने अंदर बैठने का बनाया, इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो ये आउटडोर सीटिंग भी इनका है पूरा यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। मतलब अगर आपको अंदर बैठ के अगर नहीं खाना है तो आप बाहर भी बैठ के जो है ना यहाँ के खाने का मज़ा ले सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे माई फेवरेट डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में बहुत सारे वेराइटीज़ आप देख सकते हैं, एक एक कर चॉकलेट ब्राउनी है, फिर बनाना केक है, फिर बाद में रोजमेरी स्विस रोल है, चॉकलेट कस्टर्ड है, कलाकंद है, बाद में चीज़ केक, गुलकंद पेस्ट्री एंड सो मेनी वेराइटीज़। फ्रेंड्स आप देख लीजिए एक बार खाली, बहुत मज़ा आने वाला है आज, आ हा हा। और इसी के साथ में आप चलिए बढ़ेंगे थोड़ा आगे, और यहाँ पर है इनके लाइव काउंटर्स, मतलब जलेबी है, चाट है, आप दे सकते हैं प्लीज़, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, माय फेवरेट पिज़्ज़ा, थैंक गॉड पिज़्ज़ा भी है, बहुत मज़ा आने वाला, आप दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है ना चलेंगे और मज़ा उठाएंगे और खाएंगे यहाँ के स्टार्टर्स, नॉन वेज और वेज दोनों, उसके बाद में जो है ना फिर आगे बढ़ते हैं। आइए प्लीज़ चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स मेरा ग्रिल आ चुका है, आप दे सकते हैं गर्मा गर्म। तो आप सभी जानते हैं कि मैं ग्रीन चटनी का बहुत ही शौकीन हूँ। सबसे पहले ग्रीन चटनी को चम्मच से न लेते हुए पूरा इस तरीके से ड्रॉप इन करेंगे, एंड क्योंकि स्टार्टर्स के साथ में जो ना ग्रीन चटनी ना हो तो क्या मज़ा आएगा खाने का। एंड उठाएंगे अब जो है इनका चमचा, एंड बिना सोचे तीनों तीन तीन पीस उठा लेंगे फटाफट अभी पूरा। ये इनका चिकन टिक्का, आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। ये है इनका ग्रीन फिश, ओहो हो, अरे यार ये तो मज़ा ही आने वाला आज। एंड ये है इनका प्रॉन्स, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिल किया हुआ, आप देख सकते हैं। चलो मैंने प्लेट में ले लिया है, एंड अब जो है सबसे पहले आपको मैं क्लोजर व्यू देना चाहूँगा, आप देख सकते हैं सो नाइस इट इज, हॉट है पूरा, और क्योंकि ग्रिल पे रखा हुआ है ना तो पूरा गर्मा गर्म है। तो चलिए सबसे पहले लेंगे इनकी चिकन टिक्का को इसके साथ में, अरे वाह 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 मज़ा ही आ गया। पहली बात तो बंद बोलते हैं ना, इनका जो टिक्का है बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छा खासा फ्लेवर आ रहा है, मतलब एंड ये बोलने से मैं नहीं रुकूंगा कि इनकी जो ग्रीन चटनी है ना बहुत ही स्पाइसी है, एंड इस टिक्का को बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वाओ फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है। एंड नाउ गोइंग बैक टू माई फेवरेट फिश, पहले तो अगर आप देखेंगे तो कितना ये सॉफ्ट है, आ हाँ देखिए डिप करेंगे इसको ग्रीन चटनी के अंदर, ओहो ग्रीन मसालों में इसको बनाया हुआ है, लेकिन खाने में इतना मज़ा आ रहा है और मुंह में जाते जो है ना ये मेल्ट हो जा रहा है, खाने में जायकेदार, एक्सीलेंटली मेड। अब जो है मेरा फेवरेट प्रॉन्स, मतलब आई एम अ डायहेड फैन ऑफ प्रॉन्स, खाकर देखते हैं कैसा बना हुआ है। पहले आप देखिए किस तरीके से इसको ग्रिल करके लाया हुआ है, इसको डिप करेंगे ग्रीन चटनी में, देख सकते हैं। पहले तो प्रॉन्स जो है इनका बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, एंड थोड़ा भी ना स्मेल नहीं आ रहा है। जनरली क्या होता है प्रॉन्स खाते हैं ना थोड़ा सा स्मेल आता है, बट इज सो फ्रेश, बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, आई एम लविंग इट। चिकन पेरी पेरी तंगड़ी, और डिप करेंगे इसको ग्रीन चटनी के अंदर, आप देख सकते हैं
ओहो हो, ये क्या मटन सीख कबाब ना? आइए, ये मेरा आ चुका है मटन सीख कबाब, डाल दीजिए। कौन सा है? मटन रिमझिम सीख कबाब। मटन रिमझिम सीख कबाब भी आ गया फ्रेंड्स। चलिए और एक बार लेते हैं इसको। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए गर्मा गर्म आया पूरा, एकदम धुआं निकल रहा है इसमें से, आप देख सकते हैं, है ना। अब लेंगे इनका मटन रिमझिम सीख कबाब। सबसे पहले देखते हैं इसकी सॉफ्टनेस कैसी है। ओहो, सॉफ्ट तो है ये। चलिए इसको डिप करेंगे चटनी के अंदर और खाकर देखते हैं कैसा है। अच्छा खासा जूसी है, हल्का हल्का जो बोल रहे ना आफ्टर टेस्ट फ्लेवर, खाने के बाद मैंने स्पाइसी लग रहा है ये। चलिए चटनी के साथ में आप इनकी लेंगे आलू तंदूरी जैसे कुछ बोल रहे हैं ये, थोड़ा सा खाते हैं, दे सकते हैं। अच्छा है, मस्त है। और क्योंकि इनके यहाँ पर इतने सारे वेराइटीज़ हैं ना, मतलब खा के बस मज़ा ही यार। अब लेंगे इनका पनीर। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पनीर को बहुत अच्छे तरीके से इसको रोस्ट किया हुआ है, ग्रिल किया हुआ है, एंड आप देखेंगे तो धुआं भी निकल रहा है इसमें से पूरा। इसको डिप करेंगे ग्रीन चटनी के साथ में और इसको लेते हैं। मेरे वेजिटेरियन व्यूवर्स जो है ना, ये पनीर को बहुत एंजॉय करेंगे। एनीवेज मुझे भी अच्छा लग रहा है, बट यू ऑल नो कि मैं थोड़ा सा नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट मज़ा ही आ गया। अब इनका लेंगे मशरूम वाली भी डिश है, बट फ्रेंकली मशरूम थोड़ा सा मैं नहीं खाता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है फ्रेंकली। चलिए इनका लेंगे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल तो आप सभी जानते हैं कि मीठा होता है, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से रोस्ट किया हुआ है, ग्रिल किया हुआ है, बट स्टार्टर्स तो वेज के खाने में मज़ा ही आ गया। अब चलिए लेंगे इनकी स्पाइसी टिक्की। सबसे पहले देखिए ना, क्रीम से इसको लबालब रखा हुआ है पूरा। मज़ा ही आ गया। एंड फ्रेंड, मेरे छोटू छोटू मोमोज आ गए, वेज एंड नॉन वेज दोनों भी। चलिए इसको थोड़ी देर में खाएंगे। अब लेंगे इनका क्रिस्पी कॉर्न। ये मेरा मतलब वेजिटेरियन में जो है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये। ओहो, बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। आई थिंक ये कॉर्न को जो है उन्होंने डीप फ्राई किया लगता है, एंड अलॉन्ग विद जो बोलते हैं ना स्प्रिंकल के जो ओनियंस, ओनियंस के साथ में ये इतना मज़ा आ रहा है, कुरकुरा भी लग रहा है खाने में, बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं इसको तोड़ के मोमोज को। ओहो हो, आई थिंक ये चिकन वाला मोमोज है। चलिए खाते हैं इसको। मज़ा ही आ गया। अब वक्त है मेन कोर्स, और मेरे सामने आप देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं मेन कोर्स में भी और वैरायटीज़ थे इनके पास, लेकिन आज मुझे जो पसंद है वही खाऊंगा, बिकॉज स्टार्टर्स खा के जो है ना मैं फुल हो चुका हूं। और मैंने मेन कोर्स में लिया है चिकन ग्रेवी, आप देख सकते हैं, और ये इनकी फ़िश थाई करी, एंड लिया हुआ आग एग भुर्जी, और इसी के साथ में मैंने मंगाया हुआ है बटर कुलचा, ये है गार्लिक नान, और ये है बटर रोटी। तो चलिए अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर मालपुआ है, जलेबी है, ये अंगूरी गुलाब जामुन है, ये हलवा है, आई थिंक ये कुछ कुछ तो है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, फिर दिस इज़ आइसक्रीम, केक्स, ये आई थिंक कुछ रबड़ी जैसा है, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। तो चलिए आप सभी जानते हैं कि मुझे जो जलेबी बहुत ही अच्छी लगती है, मैं जलेबी खाकर मैं देखता हूँ एक बार कैसी बनी हुई है, दे सकते हैं। hmm.
मतलब इतना अच्छा खाना खाने के बाद में अगर ऐसा कुछ डेजर्ट मिल जाए ना तो बहुत ही मज़ा आता है। एंड आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे डेजर्ट मंगाए, अभी एक एक करके मैं ख़त्म करूँगा। चलिए इसी तरीके से और एक नए ब्लॉग के साथ मैं बहुत ही जल्दी मैं आप लोग को मिलता हूँ। टिल दैट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपके पास वक्त हो तो खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का और मस्त रहने का, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करेगा फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। खुल जा सिम सिम हो इसमें तो बिल आ